हाय फ्रेंड्स, हमारी विशेस, हमारे लाइफ की प्रॉब्लम्स, हम जो भी यूनिवर्स में कन्वे करना चाहते हैं या डिवाइन पावर्स या एनर्जीज को बताना चाहते हैं, बहुत बार ऐसा लगता है कि उन्होंने सुना या नहीं सुना। एनर्जीज के साथ, डिवाइन पावर्स के साथ अपने इसी कॉन्वर्सेशन को आज हम इस वीडियो में करेंगे। ये कॉन्वर्सेशन कुछ स्टेप्स को इन्वॉल्व करेंगे अपने अंदर। सबसे पहला स्टेप होगा, हम अपने दो चक्रास पे फोकस करेंगे। सबसे पहले हार्ट चक्र और फिर थर्ड आई चक्र। जब ये दोनों चक्रास हम एक्टिवेट कर चुके होंगे, इसके बाद हम एनर्जीज़ को अपने सामने विजुअलाइज़ करेंगे, देखने की कोशिश करेंगे। आप सब अपने अपने मन में किसी एक डिवाइन पावर को लेके आइए, जिनसे आप अपनी बातें, अपनी रिक्वेस्ट, अपने प्रेयर्स, अपने विशेस बोलना चाहते हैं। अगर आप कन्फ्यूज़्ड हैं कि किस एनर्जी से हम अपनी प्रेयर करें, तो आप यूनिवर्स को विजुअलाइज कर सकते हैं, यूनिवर्सल एनर्जीज़ को। इसके बाद आप अपनी प्रेयर जोन को बोलेंगे। इसके बाद कि कम्युनिकेशन स्टार्ट होगी आपकी और उस एनर्जी के बीच में, जो कम्युनिकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट होगी। उसमें जो भी आप कम्युनिकेट करेंगे उस पर पूरा ध्यान देंगे। और ध्यान रखिएगा कि ये बहुत पावरफुल मेडिटेशन है। इसको आप रोज़ाना सोने से पहले या सुबह उठने के बाद ज़रूर करें। आइए शुरू करते हैं इस मेडिटेशन को। क्योंकि आप डिवाइन पावर से कनेक्ट करने जा रहे हैं, तो बेस्ट होगा कि आप आराम से बैठें एक जगह, अपने स्पाइन को बिल्कुल स्ट्रेट रखें, आंखें बंद करें, दोनों हथेलियों को अपने थाइस पर रिलैक्स करें। चेहरे के मांसपेशियों को रिलैक्स करें। अब हम अपने हार्ट चक्र पे फोकस करेंगे। हार्ट चक्र का कलर ग्रीन है, तो अभी आप कुछ ग्रीन कलर ही अपने आँखों के सामने विजुअलाइज कीजिए। और जो मंत्र हार्ट चक्र को एक्टिवेट करता है, यम, मेरे साथ यम की चैंटिंग करेंगे। सिर्फ 3 बार हम इस शब्द को रिपीट करेंगे। पहले लंबी गहरी सांस लें और फिर रिलीज करें। ब्रीद इन करें, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। अब हरे रंग को देखते हुए अपने हार्ट के पास अपना ध्यान लाएंगे।
अब हम चैंट करेंगे, यम यम रिलैक्स। अब हम थर्ड आई चक्र पे फोकस करेंगे। सीधे हाथ के अंगूठे को आप अपने आईब्रोज के बीच में लगाइए और धीरे धीरे वहाँ पे घुमाने की कोशिश करेंगे। इस जगह को आप घुमाते हुए अपने मन में ओम का उच्चारण करें। आप चाहें तो तेज भी कर सकते हैं। 3 बार ओम का उच्चारण रिलैक्स करें। अब आप बंद आंखों से अपने सामने उस डिवाइन एनर्जी को देखने की कोशिश कीजिए जिनको आपको अपनी बातें, अपने प्रेयर्स, अपने विशेस बोलनी है। आप उन्हें मूर्ति रूप में भी देख सकते हैं। अब आप अपनी प्रार्थना, अपनी रिक्वेस्ट डिवाइन एनर्जी को बताइए। आप क्या चाहते हैं वो उन्हें बताइए। अब महसूस कीजिए कि सामने से एनर्जी भी आपसे पूछ रही है कि आपको ये विश क्यों चाहिए। अब आप उन्हें बताएं कि आप क्यों चाहते हैं ये सब। आपको क्या खुशी मिलेगी इससे। अब विजुअलाइज करें कि ईश्वर ने आपकी प्रार्थना सुन ली है। अब आप
उस डिवाइन एनर्जी में अपना विश्वास जगाएं, उन्हें अपना ग्रैटिट्यूड, अपना ट्रस्ट, अपना फेथ जताने की कोशिश करें। अब आप सामने से डिवाइन पावर से ब्लेसिंग्स और प्रोटेक्शन ले रहे हैं। आपको ब्लेसिंग और प्रोटेक्शन मिल रही है उनकी तरफ से, ये देखने की कोशिश करें, विजुअलाइज करें आप इसे। थैंक यू बोले, हाथ जोड़कर प्रणाम करें। और अब वापस आए, लंबी गहरी सांस लें, रिलैक्स करें। थैंक यू।